हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जायका तस्नीम का। मैं हूँ आपकी दोस्त शेफ तस्नीम, और आज की हमारी रेसिपी है एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और सबसे स्वादिष्ट विंटर स्पेशल रेसिपी, जो ये हमारे हर बौरी घर में बनती है विंटर्स में। आई एम फॉर श्योर कि हर घर में बनती होंगी। तो ये रेसिपी का नाम है गोल पापड़ी। तो चलो फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कप आटा लूँगी, 1/4 कप ड्राई फ्रूट का पाउडर लूँगी, यहाँ पर 1 टेबलस्पून ओट्स का पाउडर लूँगी, 1 टेबलस्पून रागी पाउडर लूँगी, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर लूँगी या सौंठ का पाउडर लूँगी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, उसको मैं मिक्स करके साइड में रख दूँगी पहले इसको। अब मैं एक बर्तन लूँगी, उसके अंदर मैं 1 कप प्योर घी लूँगी और 2 टेबलस्पून मैं गोंद लूँगी, और उसे सिम आंच पे मैं उसको अच्छे से फ्राई करूँगी, तब तक कि जब वो पूरा जो गोंद है वो फूट नहीं जाता, तब तक उसको हमें फ्राई करते रहना है। हमें ये सारा प्रोसेस सिम फ्लेम में करना है, मीडियम और हाई फ्लेम में नहीं करना है। अब जो सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्स किए थे, अब उसी घी में मैं डाल के अच्छे से उसको मैं सिम फ्लेम पर उसको सोटे करूँगी, तब तक कि आटे का कलर है जो लाइट ब्राउन नहीं हो जाता जब तक। अभी 2 मिनट के बाद मैंने जो ये गोंद मैंने फ्राई किया था, वो गोंद भी मैं डाल दूंगी आटे में। और यहाँ पे लम्स है, तो मैं सारे लम्स को ये कूट रही हूँ और अच्छे से इसको मैं सोटे कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है ये बनाने के लिए। प्रपोर्शंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने सारे जो प्रपोर्शंस है मेजरिंग कप्स और स्पून से लिए हुए हैं। तो अगर आप ये रेसिपी फॉलो कर रहे हो तो सेम मेजरमेंट यूज़ करना। अब मैं इसके अंदर जब 5-10 मिनट हो जाए, फिर इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं कोकोनट पाउडर, ड्राई कोकोनट पाउडर डालूँगी। देखिए अच्छा से अरोमा आ रहा है और अच्छे से हमारा जो गेहूँ है वो अच्छे से सिक चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 कप जागरी डालूँगी। जागरी का मैं पाउडर डाल रही हूँ यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे गैस स्विच ऑफ करके यहाँ पे हमें जागरी पाउडर डालना है, और फिर इमीडिएटली बहुत जल्दी जल्दी में हमें इसको मिक्स करना है। देखिए मैं बहुत फटाफट कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि हमारा जागरी है वो मेल्ट होके एकदम से वो थर ना हो जाए और स्टिफ ना हो जाए एकदम आटा। तो इसे हमें फटाफट से मिक्स करके हमें एक थाली में इसको डालना है। ये स्टेज पे सिर्फ 2 मिनट हमको ये देखना है कि जो हमारा जो जागरी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए आटे के साथ। इसको मैं सोटे नहीं करना है। अब मैं थाली में और पहले से ही प्योर घी लगा के मैंने ग्रीस कर दिया था। अब फटाफट से मैं ये जो मिक्सचर हमारा बन चुका है आटे का, वो मैं डाल रही हूँ। डालने के बाद इसको मैं अच्छे से अभी फ्लैटन करूँगी जो हमारा चम्मच है उसकी मदद से। तो देखिए यहाँ पे मैं उसको फ्लैटन कर रही हूँ। अब मैं चमचे से फ्लैटन करने के बाद फिर मैं, अगर आप इसी में कंफर्टेबल है तो इसी में आप करना। मुझे बहुत नीट अच्छा लगता है, मुझे ऐसे मतलब मैं जब भी पहले डालती हूँ तो फिर पहले मैं चमचे से करती हूँ, फिर उसके बाद मैं कटोरी लेती हूँ और कटोरी से मैं अच्छे से उसको फ्लैटन करती हूँ। और फ्लैटन करने के टाइम पे प्रेशर नहीं डालना है, नहीं तो वो ब्रेक हो जाएगा। एकदम हल्के हाथ से हमें इसे फ्लैटन करते रहना है। अब मैं चम्मच लूँगी और चम्मच से सारे जो हमारे साइड्स है उसको मैं फ्लैटन करूँगी। तो देखिए ये मैंने सारे साइड से भी फ्लैटन कर रही हूँ। तो कुछ चीज़ों का यहाँ जैसे मैंने पहले कहा था ध्यान रखना है। सबसे पहले मेजरमेंट्स, तो हमारा जो घी है, घी, गुड़ और हमारा गेहूं का आटा, ये 3 चीज़ हमारा हमेशा इक्वल प्रपोर्शन में रहना चाहिए। अब मैं इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट का पाउडर और कुछ डेसिकेटेड कोकोनट स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आपको नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते, आपको कट अगर ड्राई फ्रूट्स डालना है तो आप कट ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अब मैं इमीडिएटली इस पर कट्स डाल दूँगी, ताकि जब ये फ्रीज हो जाए या ठहर जाए, ठंडा हो जाए, तो हमें आसानी से ये पीसेज इसके हम निकाल सकते हैं। और हमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट पाउडर लिया हुआ है। अगर आपको ड्राई फ्रूट पाउडर नहीं डालना है तो आप जो नट्स है वो बारीक चॉप करके भी आप इसमें डाल सकते हैं।
दूसरा चीज़, यहाँ पे मैंने ओट पाउडर और रागी पाउडर डाला है, कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ट्रेडिशनल रेसिपी में ये नहीं डलता है, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे उसका टेस्ट पसंद है, एक हेल्थी वे में एक हेल्थी चीज़ खाने को मिलती है, इसके लिए डालती हूँ मैं। और ओट्स और रागी के अपने अलग ही हेल्थ बेनिफिट्स है, और ओट्स पाउडर से हमारा जो गोल पापड़ी है वो बहुत सॉफ्ट बनता है, इसके लिए मैं डालती हूँ, वो भी ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप बिल्कुल स्किप करिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं जो इसका मेन एक टास्क होता है निकालने का टास्क, इसको बहुत ही केयरफुल से निकालना है, नहीं तो ये बहुत सॉफ्ट होती है तो ये टूट जाएगी। तो एक चमचा ले लीजिए, जैसे मैंने चमचा लिया था पतला सा जो फ्लैटन स्पून आता है वो चमचे से, देखिए ये वाला स्पून का मैं बात कर रही हूँ, इससे धीरे धीरे निकालिएगा। मैं नाइफ और ये जो फ्लैटन स्पून है दो के हेल्प से मैं करती हूँ। कुछ लोग स्पैचुला भी यूज़ करते हैं, अगर आपको स्पैचुला कंफर्टेबल लगता है तो वो जो हमारा स्टील का स्पैचुला है उससे भी आप निकाल सकते हैं। जागरी पाउडर मैंने घर में बनाया हुआ है, बहुत ही सिंपल है घर में बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा जागरी होता है वो मैं माइक्रोवेव कर दूंगी 30 सेकेंड्स के लिए, और फिर मैं उसको बारीक से चॉप कर दूंगी, तो बहुत इजी और आसान तरीके से पाउडर बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना अगर ये आप रेसिपी ट्राई कर रहे हो तो, और बेल आइकन हिट करना ना भूलिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।